नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको पता है श्रीमान गया है मालवण, और उसके बाद बहुत लोगों के मन में एक सवाल था कि करण, राणे, चेतन, इवन चार्ली, इनको श्रीमान अपने साथ क्यों लेके नहीं गया। बहुत लोगों को ये सवाल था, बहुत लोगों ने ये भी बोला कि अगर ये प्लान था तो श्रीमान ने पहले हमें क्यों नहीं बताया। तो आज दोपहर को चेतन इंस्टाग्राम पर लाइव आया था, तो वहाँ पर भी बहुत लोग स्पैम कर रहे थे कि श्रीमान ने आपको इग्नोर क्यों किया, श्रीमान ने आपको लेके क्यों नहीं गया। तो चेतन ने इस पे क्या बोला आप खुद को? अरे मालवणला श्रीमान आणि श्रीमानचे ते रिलेटिव आहेत ना, ते गेलेत आणि पतू गेलाय। पतू कसा व्लॉग बिग बादशाह काढतो ना पतू, तर ते गेलेत। त्यांची फॅमिलीच मेंबर आहेत, मेन लोक गेलेत आणि ती मोठी माणसं आहेत, सगळे डायरेक्टर वगैरे आहेत, तर त्यांच्याबरोबर गेलाय तो। आणि एवढा काय विषय नाही, मालवणला तो गेलाय, आम्ही जाऊ गोव्याला एकत्र। जैसे कि आपने देखा, ये एक फैमिली ट्रिप थी, जो भी लोग गए सब श्रीमान के फैमिली के लोग हैं। और अभी सवाल है कि पतू क्यों गया। तो पतू इसलिए गया कि वो अच्छे शूट करता है, उसका कैमरा एंगल अच्छा है, इसलिए श्रीमान ने इसको अपने साथ लेके गया। अगर चेतन, राणे, चार्ली को अगर कैमरा शूट करना आता अच्छा तो उनको भी लेके जाता, लेकिन सिर्फ पतू को आता है, इसलिए श्रीमान ने सिर्फ पतू को ही लेके गया। अब एक और सवाल होगा आपका, ये चेतन मास्क पहन के क्यों बात कर रहा है? हाँ पता है, देख लो खुद। आणि मी तुमचं सगळ्यांचं ऐकणार, तुम्ही मला पहिल्या स्टोरीला कमेंट काय केले सगळ्यांनी, दादा मास्क घाल, दादा मास्क घाल। अरे ज्यांनी त्यांनी कमेंट हीच केले, पण असं ना बोलला दादा कुठं चाललाय, दादा प्लीज रिप्लाय दे, आम्हाला तुला भेटायचंय, किंवा तू कशासाठी चाललाय, हे रिप्लायच नाहीत त्या स्टोरीला, फक्त रिप्लाय मास्क घाल। तर आता मी मास्क काढणार नाही, दाढी दाखवणार नाही, कारण की मला इथं भीती वाटते, इथं कोणाला कोरोना असेल तर मला पण होईल। मी कंटिन्यू मास्क ठेवणार, जो घरी जोपर्यंत पोचत नाही तोपर्यंत मास्क। थुकायला आली ना थुकायला, तरी मी ती थुकी गिळणार, परत थुकायला आली का परत ती बाहेर काढणार, परत गिळणार, पण मी मास्क काढणार नाही। बस इतना ही था आज का अपडेट्स। अगर और इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती है तो आप तक जरूर लेके आऊँगा। तब तक ये दो ही चीज़ याद रखना, एक लाइक एंड दूसरा सब्सक्राइब।